पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संबल से भाजपा सांसद सत्यपाल सैनी के दूर के रिश्ते के भाई जयप्रकाश सैनी उर्फ बबलू 32 वर्षीय शुक्रवार शाम 6 बजे बाइक सवार दो युवकों ने गोलियां बरसा दी। जयप्रकाश के शरीर में 8 जगह जख्म के निशान मिले हैं। उनको लहूलुहान हालत में साई अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमलावर वारदात के बाद भाग गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार हमलावरों की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। देर रात पीड़ित के भाई रोहित ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार जयप्रकाश का घर पाकवाड़ा थाने के पिछले हिस्से में सटा हुआ है। घर में ही वह सैनिटरी की दुकान भी करते हैं। वह शाम को 6 बजे एसओ पाकवाड़ा नीरज शर्मा से मिलने के बाद अपने घर पहुंचे। वे ऑल्टो कार से नीचे उतरे थे, तभी उनका पीछा करते हुए बाइक सवार हमलावर वहां पर आ गए और उन पर गोली चला दी। जयप्रकाश हमलावरों से भिड़ गए। एक हमलावर के हाथ से असला भी छीनने की कोशिश की। इस दौरान उनके हाथ, कमर, जांघ और कमर से ऊपर के हिस्से में गोलियां लगी हैं। फायरिंग की आवाज आते ही आसपास के लोग वहां पर पहुंचे। हमलावर लोगों को एकजुट होते देख वहां से भाग उड़ निकले। ये सैनी हैं जो बुद्ध बाजार में रहते हैं जी। इन पे कोई दो लोगों ने फायरिंग की है। सेफ हैं, स्टेबल हैं, ठीक ठाक हैं। और वहां पे सीसीटीवी की फुटेज बता रहे हैं कि वहां पे सीसीटीवी भी है जिसमें वो दिखाई देगा। अभी हम लोग वहीं मौके पे उनकी जो बताई हुई कुछ सूचना है उसके लिए जा रहे हैं। कितने हमलावर थे और कैसे आए थे? अभी जो प्रथम दृष्टया अभी उन्होंने बताया, क्योंकि अभी वो आईसीयू में है, ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। मोटरसाइकिल पे दो लोग की बात बताई है। अभी और जैसे ही उनको अभी थोड़ा ठीक होते हैं तो और बात। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, कितनी गोलियां लगी हैं? स्टेबल हैं अभी। अभी इस तरह का कुछ नहीं होता, एक्सरे हो रहा है अभी। कोई रंजिश वगैरह तो नहीं? अभी डिटेल्स और पता लगेंगे तो आपको बताते हैं। दो लोगों की बात उन्होंने बताया जाता है। थाने के बिल्कुल करीब ही हुई है घटना? थाने से ये थोड़ा दूर रहते हैं, बुद्ध बाजार में। अच्छा, बुद्ध बाजार की घटना है। ठीक है।